हाय एवरीवन, दिस इज विरानिका। आज का हमारा टॉपिक है कि एक एंशियंट चाइनीज फिश है जिसका नाम है पैडल फिश, जिसको फिलहाल एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया गया है कि चाइना में ये जो फिश है ये एक्सटिंक्ट हो चुकी है, लुप्त हो चुकी है। अब हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस। अब देखिए किस कॉन्टेक्स्ट में हम आज के लेक्चर की बात कर रहे हैं कि जो लास्ट चाइनीज पैडल फिश थी, राइट, जिसका आप यहाँ पे साइंटिफिक नेम देख सकते हैं सिफ्यूरस ग्लैडियस, इसको लास्ट नोटिस कब किया गया था, 2003 में, और उसके बाद अब इनको एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया। कुछ रिपोर्ट्स हैं जो कि कहते हैं 2007 में भी कहीं ना कहीं ये दिखी थी, लेकिन इनके जो मेजर इनके जर्नल्स हैं वहाँ पे 2003 मेंशन किया गया है। अब एक प्रॉब्लम ये है कि ये फ़िश ऑलरेडी बहुत रेयर थी, बहुत कम पाई जाती थी, लेकिन अचानक से अब ये ना पाई जा रही है, तो इस वजह से इसके फ़ोटोज़ भी ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे स्पीशीज़ के। अब ये कहाँ की थी ये फ़िश, चाइना के यांगजे रिवर जो है वहाँ पे यूजुअली होती थी। इससे पहले येलो रिवर जो है वहाँ पे पाई जाती थी, लेकिन वहाँ पे काफ़ी समय पहले ही एक्सटिंक्ट हो गई। और ये फ़िश का अगर आप साइज़ देखेंगे 23 feet इन लेंथ, ये 23 feet तक ये फ़िश इसकी लेंथ रहती है, और 2003 में जैसे मैंने बताया लास्ट स्पॉट की गई थी। तो यहाँ पे आप इसकी तस्वीर देख सकते हैं कि एक इसका ये नोकीला सा एक नाक जैसा नोज़ है, और उसके बाद इसकी जो लेंथ है ये 23 feet तक है। अब ये जो चाइनीज़ पैडल फिश है और इसके जो क्लोज रिलेटिव्स हैं, यानी जो स्पीशीज़ के क्लोज रिलेटिव क्लोज फिशेस हैं, जैसे कि अमेरिकन पैडल फिश भी है, ये 200 मिलियन साल से पाई जाती हैं, इसलिए इसको लिविंग फॉसिल भी कहा जाता था। फॉसिल क्या होते हैं कि आपको जो ज़मीन के नीचे प्रिजर्व हो जाती हैं डेड बॉडीज एनिमल्स की, तो वो फॉसिल्स होते हैं, ताकि फॉसिल रिकॉर्ड से हमको पता लगता है कि पुराने समय में 200 साल पहले, 200 मिलियन ईयर्स पहले, 100 मिलियन ईयर्स पहले किस तरह के जानवर धरती पे रहते थे। तो ये लिविंग फॉसिल माना जाता है क्योंकि बहुत ही एंशियंट फिश है और ये बहुत सारी चेंजेस सर्वाइव कर गई। देखिए, मास एक्सटेंशन हुई, एक्सटेंशन हुई जब बहुत सारी प्रजातियाँ जो धरती से लुप्त हो गई, लेकिन ये फ़िश सर्वाइव करती रही। डायनासोर्स के टाइम पे भी ये थी, डायनासोर्स भी आज नहीं है, मरीन रेप्टाइल्स प्लियोसोर्स जैसे आज नहीं हैं, उनके समय में भी ये फ़िश थी और आज भी है, इसलिए इसको लिविंग फॉसिल जो है वो कहा जाता है। देखिए, एक समय था जब फ्लावरिंग प्लांट्स नहीं होते थे, फ्लावरिंग प्लांट्स इवॉल्व कर गए, उसके बाद फ्लावरिंग प्लांट्स अगर आप देखें शोर्स पे पॉपुलेट कर गए। एंसेस्ट्रल होम अगर इसका देखें तो यांगसे रिवर है, तो यहाँ पे मेन बताने का मकसद ये है कि बहुत ही पुरानी फिश है। और देखिए, जो इसका ये एक स्नाउट है, जिसको आप इसका नाक बोल सकते हैं, एकदम जैसे तलवार होती है, स्वॉर्ड लाइक स्नाउट है, और इससे ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो होती है उससे अपने शिकार को ढूंढ लेती है। तो ये किस पे फीड करती है, यूजली जो छोटी फिशेज हैं या क्रस्टेशियंस हैं उस पे फीड करती है। तो ये रिवर का नाम मैंने आपको बताया यांगसे, जहाँ पे ये पाई जाती है मडी वाटर्स में। सालों से ये जीती आई है। जो एक नया पेपर भी पब्लिश हुआ है, साइंस ऑफ द टोटल एनवायरनमेंट, वो कंक्लूड करता है कि बहुत सारे जो स्पीशीज हैं वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, धरती से लुप्त हो रहे हैं ओवर फिशिंग की वजह से और डैम कंस्ट्रक्शन। तो ये दो रीजंस याद रखिए कि एक तो ओवर फिशिंग हो रही है और डैम कंस्ट्रक्शंस में जो वाइल्ड जो आपके ये मरीन एनिमल्स हैं या मरीन फिशेज हैं इनको बचाने के लिए जो स्टेप्स लेने चाहिए। वैसे ये तो आपकी फ्रेश वाटर फिश है जिसके बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, पैडल फिश। तो डैम कंस्ट्रक्शन की वजह से क्या होती है, जो आपकी ये फिशेस होती हैं वाटर की, फ्रेश वाटर की, इनके लिए एप्रोप्रिएट मेजर्स हम नहीं लेते कि हम इनको कैसे बचा पाएं, और थोड़े समय के बाद इनकी ब्रीडिंग में प्रॉब्लम आ जाती है, ये अपनी जनरेशन आगे नहीं बढ़ा पाते और लुप्त हो जाते हैं। तो देखिए, ये यांगसे बेसिन की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे मैप में आप देख सकते हैं, यहाँ पे यांगसे रिवर बेसिन आता है, और क्लोजली आप देखेंगे तो यहाँ पे ये पूरा बेसिन है, और कौन कौन से रिवर्स हैं इसमें, लायो रिवर है, हाई रिवर, येलो रिवर, हुआई रिवर, यांगसे रिवर, क्यांटांग रिवर। और साइंटिस्ट का मानना है इस प्रजाति का लुप्त होना एक बहुत ही इररिपेरेबल लॉस है। देखिए, ये फ़िश एक बहुत ही यूनिक और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एनिमल थी। अगर ये आज एक्सटिंक्ट हो गई है तो हमारे पास कोई भी होप नहीं है कि हम इसको रिकवर कर पाएंगे। कंजर्वेशनिस्ट यानी जो लोग संरक्षण के लिए काम करते हैं प्रजातियों का, उनका मानना है कि हमारे लिए ये एक वेकअप कॉल होनी चाहिए। अभी तो ये एक फ़िश है जो ख़त्म हो गई, लुप्त हो गई, लेकिन और भी बहुत सारे फ्रेश वाटर स्पीशीज़ हैं जिनको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। आज जितने भी
फ्रेश वाटर में एनिमल्स हैं, वो एक्सटिंक्शन का डर उन पे बना हुआ है। तो यहाँ पे लोगों से और गवर्नमेंट से यही गुहार जो साइंटिस्ट हैं वो या इन्वायरमेंटलिस्ट हैं वो लगा रहे हैं कि बहुत लेट हो जाए उससे पहले हमें कोई स्टेप्स जो हैं वो लेने चाहिए। देखिए वैसे तो ये स्पीशीज़ अगर हम लास्ट सेंचुरी की बात करें तब से ही ग्रेजुअली इसकी पॉपुलेशन कम होने लग गई थी। 70s की बात करें 25 टन्स जो पैडल फिश है उसको हार्वेस्ट किया जाता है ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें। तो यहाँ पे रीज़न देखेंगे कि पैडल फिश का एक्सटिंक्ट होने का पर्टिकुलर रीज़न क्या है। देखिए वैसे तो ग्रेजुअली ओवर फिशिंग डैम कंस्ट्रक्शन को हम बोल रहे हैं, लेकिन स्पेसिफिकली बात करें तो गेजहाउबा डैम जो है उसको मेन स्टेम जो यांगसे रिवर के ऊपर बनाया गया, इस डैम में किसी भी तरह का फिश लैडर या जिसको बाईपास बोलते हैं वो नहीं रखा गया, जिस वजह से स्पॉनिंग ग्राउंड्स यानी फिश क्या होती है कई बार एक जगह पे रहती है लेकिन ब्रीडिंग के लिए वो क्रॉस करके दूसरी तरफ जाती है। अगर आप यहाँ पे डैम बना रहे हैं तो आपको फिश लैडर या एक तरह का पास जो है वो फिश के लिए बनाना है, जो कि यहाँ पे नहीं बनाया गया। और जो इसके ब्रीडिंग के या स्पॉनिंग ग्राउंड्स हैं अपस्ट्रीम, यानी इसको पानी के जो करंट है उसके अगेंस्ट स्विम करके जाना है और ये नहीं जा पाई, इस वजह से ये अपनी जेनरेशन जो है इसके रिप्रोडक्शन हमने हॉल्ट कर दी, रोक दी। और ये चीज़ रीज़न हमको बहुत लेट पता चला, बाद में अगर हम इसको ठीक भी करना चाहें तो टू लेट आप कह सकते हैं, बहुत देर हो चुकी है। तो देखिए ये टाइमलाइन है इसका कि ये 200 मिलियन ईयर पहले भी थी, 200 मिलियन साल पहले। फिर आप आगे आगे देख सकते हैं कि कैसे कैसे फिर ये यांगसे येलो रिवर में भी पाई जाती थी। ये बीसी और एडी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे 221 बीसी से 1271 एडी तक। 1949 में आप देख सकते हैं चाइना में इसको ये मिलनी शुरू हुई। फिर 70s में अराउंड 25 टन इसको हार्वेस्ट किया जाता था। फिर यहाँ पे देखिए 81 में जो डैम बनी यहाँ पे इसका पॉपुलेशन 81 के बाद जो है डिक्लाइन होने शुरू हो गया। 1993 में पहली बार इसकी फंक्शनल एक्सटिंक्शन के बारे में पढ़ना शुरू किया। 2005 में ही एक्सटिंक्ट हो गई आप मान सकते हैं, और 2003 के प्रोजेक्ट्स हैं जो इनिशिएट किए गए। यहाँ पे इस टाइमलाइन के हिसाब से 2003 ये नेशनल ज्योग्राफी के हिसाब से है, 2003 में लास्ट लाइव स्पेसिमेन ऑब्जर्व यहाँ पे इसका किया गया। और अब साइंटिस्ट ने लेटेस्ट जो भी जानकारी ली है, उन्होंने बहुत सारे फिश मार्केट्स में देखा, बहुत सारे अलग जगह अलग अलग तरह के नेट्स लगा के देखा कि शायद कोई इसका एक मेंबर कभी हम पकड़ ले और हमें पता चल जाए कि ये है, एक्सटिंक्ट नहीं हुई है। लेकिन इसमें कोई भी सफलता जो ये साइंटिस्ट हैं इन लोगों को नहीं मिली, जो रिसर्चर्स हैं उनको नहीं मिली। 2002 में इनको एक फिश जो है लास्ट उसको इन्होंने पकड़ा था और उसके ऊपर एक GPS ट्रैकर भी लगाया था, वो एक फीमेल फिश थी, लेकिन बहुत जल्दी ही उसकी मृत्यु हो गई। फिर 2003 में देखिए क्या हुआ, जो कलीग्स हैं वे यहाँ पे जो रिसर्चर्स और उसके कलीग्स थे जो इस पे काम कर रहे थे, उन्होंने एक ट्रैकिंग टैग एक चाइनीज पैडल फिश पे लगाया जिसको एक्सीडेंटली उन्होंने यिबिन के पास पकड़ा था, साउथ सेंट्रल चाइना के पास, लेकिन बाद में उसको रिलीज़ कर दिया। लेकिन थोड़ी देर के बाद ही सारे सिग्नल्स जो हैं वो आना बंद हो गए और वो लास्ट स्पीशीज़ थी, उसके बाद कभी उसको ज़िंदा नहीं देखा गया इस फिश को। और रिसर्चर्स का मानना है कि अगर हम चाहते कि हमारे प्रॉपर कंजर्वेशन एफर्ट्स लगते तो हमें 1993 से पहले ही एफर्ट्स लगाने चाहिए थे या फिर अर्ली 2000 से पहले। तो जो ये पेपर है जिसकी मैं बात कर रही हूँ जहाँ पे बताया गया ये एक्सटिंक्ट हो गई है, उनका मानना है कि ऑलमोस्ट 2005 और 2010 के बीच में ये जो है ये प्रजाति अर्थ से पूरी तरीके से लुप्त हो चुकी है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि रिसर्चर्स ने तो भी हार नहीं मानी, बहुत सारे लोकेशंस पे सर्च किया, यांगसे रिवर पे सारे बायोलॉजिकल सर्वे किए पूरे रिवर बेसिन के, बहुत अलग अलग तरह के नेट्स यूज़ किए, सोनार यूज़ किया, इलेक्ट्रोफिशिंग गियर्स यूज़ किए, सारी जितनी टेक्निक्स आज तक अवेलेबल हैं वो यूज़ की ताकि स्पीशीज़ का कोई एक रिप्रेजेंटेटिव मिल जाए, लेकिन सारे के सारे अटेम्प्ट्स टोटली फेल रहे। देखिए पैडल फिश की ऑलमोस्ट दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रजातियां हैं, एक ये जो चाइनीज पैडल फिश है या फिर इसके बाद आपकी एक अमेरिकन पैडल फिश है वो पाई जाती है, वो भी वल्नरेबल स्पीशीज है जो कि मिसिसिपी रिवर बेसिन यूनाइटेड स्टेट्स में पाई जाती है। दोनों ही स्पीशीज आपस में बहुत ही क्लोजली रिलेटेड थे ऑलमोस्ट 85%, लेकिन आज इनमें से ये भी बहुत ज्यादा थ्रेटन्ड है अमेरिकन पैडल फिश भी, कि वो भी आने वाले समय में लुप्त हो सकती है। देखिए जो ये बड़ी मछलियां होती हैं ये एक बहुत ही क्रूशियल पार्ट प्ले करती हैं इकोसिस्टम्स में, इन्वायरमेंट की क्वालिटी को बनाए रखती हैं और रिवर्स को हेल्दी रखती हैं, राइट? क्योंकि एक इकोसिस्टम है कि वहां पे अगर प्लांट्स हैं जो पानी में पाए जाते हैं उन पे एक तरह की फिश फीड करेगी, अगर इस फिश को कोई नहीं खाएगा तो इसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज होती जाएगी, लेकिन इस पे कंट्रोल लगाने के लिए एक बड़ी फिश होगी, राइट?
तो इस तरह से इकोसिस्टम आपका मेंटेन रहता है। तो अगर इस तरह से ये बड़ी फिशेस लुप्त होने शुरू हो जाएंगी तो उससे इकोसिस्टम को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो यहाँ पे वे फॉरवर्ड में हम क्या बात कर सकते हैं कि क्या लेसन्स पैडल फिश जब आज हम उसको खो चुके हैं तो इससे हम क्या चीज़ें सीखते हैं कि एटलीस्ट यांगसे रिवर की अगर हम बात करें उसमें जो बाकी की स्पीशीज बची हुई हैं उनको हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये सिर्फ यांगसे रिवर की बात नहीं है, और भी बहुत सारी प्रजातियां जो हैं वो लुप्त होती जा रही हैं। तो अभी एक वेकअप कॉल है कि हम उनको कंजर्व कर सकते हैं। आज भी बहुत सारी स्पीशीज हैं जो लुप्त हो सकती हैं, लेकिन चांसेस हैं अगर हम एफर्ट्स लगाएंगे तो हम उनको एक्सटिंक्ट होने से बचा सकते हैं। तो वो स्टेप्स हमको लेने चाहिए। और यहाँ पे यांगसे स्पीशीज की अगर स्पेशली बात हो रही है जो इस रिवर में पाए जाते हैं, तो एक्सटिंक्शन रिस्क असेसमेंट जो है एंडेंजर्ड स्पीशीज के लिए वो करने चाहिए, उनको कंडक्ट करना चाहिए। और क्योंकि अगर हमें रीजंस पता होंगे कि क्या रीजंस हैं किसी प्रजाति के एक्सटिंक्ट होने के, तभी हम उस चीज़ को ठीक कर पाएंगे। फिर उसके बाद जैसे जो मैंने आपको रीजन बताए कि ओवर फिशिंग हो रही है, डैम कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो अगर आप कोई भी डैम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो वो जो पूरा प्लान है डैम कंस्ट्रक्शन का उसको एक प्रॉपर स्क्रूटनी उस पर होनी चाहिए। और जितने एफर्ट्स हैं कि डेवलपमेंट का इम्पैक्ट फिश पे ना पड़े, फिश स्पीशीज पे ना पड़े, या जो आपके फ्रेश वाटर स्पीशीज हैं उन पे ना पड़े, हमको वो पूरी कोशिश करनी चाहिए। यानी अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो एक बैलेंस जो है ह्यूमंस के साथ जो नीड्स हैं, जो ज़रूरतें हैं एक्वाटिक लाइफ की, वहाँ पे हमको एक बैलेंस जो है वो रखना चाहिए। ऑब्वियसली ये काम इम्पॉसिबल नहीं है, ये हो सकता है, बट डेफिनेटली इसमें एक विल, पॉलिटिकल विल के साथ साथ रिसर्च विल की भी ज़रूरत है। तो अगर इसको अभी हम जल्दी से कंक्लूड करें कि आज के लेक्चर में हमने क्या देखा कि जो चाइनीज़ पैडल फिश है, एक चीज़ याद रखिए, इसको चाइनीज़ स्वॉर्ड फिश भी बोलते हैं। कि जैसे मैंने आपको इसकी पिक्चर दिखाई तो इसका स्नाउट बहुत लंबा सा, एक स्वॉर्ड लाइक स्नाउट है आगे, इस वजह से इसको ये भी बोला जाता है स्वॉर्ड फिश। यांगसे रिवर बेसिन में पाई जाती थी। जो लार्जेस्ट पैडल फिश है वो 3 meters तक ग्रो करती है और इसका वेट 300 kg तक हो सकता है। IUCN के द्वारा रेड लिस्ट में इसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड लिस्ट में रखा गया था 1996 से ही, लेकिन अब साइंटिस्ट ने इसको एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया है। और अगर आपसे कोई फैक्टर्स पूछे कि इस फिश के एक्सटिंक्ट लुप्त होने के फैक्टर्स क्या हैं, तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं पहला आ गया आपका ओवर फिशिंग, ठीक है, फिशिंग लोग बिना सोचे समझे बहुत ज़्यादा कर रहे हैं कमर्शियल पर्पस के लिए। उसके बाद हैबिटेट लॉस, क्योंकि आपने डैम बना दिया उसका घर जो है पूरा प्रोसेस में प्रॉब्लम आ गई इसलिए। और तीसरा जो हो गया वो है आपका पॉल्यूशन, पॉल्यूशन भी रिवर वाटर्स में बहुत ज़्यादा हो रही है, एंड ऑब्वियसली डैम को आप अलग से भी मेंशन कर सकते हैं। तो ये 4 रीजंस हैं जिस वजह से ये प्रजाति बिल्कुल लुप्त हो गई, अदरवाइज आप देख सकते हैं ये, और ये जितने रीजंस हैं ये एंथ्रोपोजेनिक हैं, मैन मेड हैं। अदरवाइज देखिए ये एक इतनी स्ट्रॉन्ग स्पीशीज थी जो कि 200 मिलियन ईयर्स से जीती आ रही है, इसने हर एक तरह का आप कह सकते हैं टफ से टफ सिचुएशन देखी है जिसको बाकी की स्पीशीज नहीं सह पाई, जैसे डायनासोर्स हो गए और कितनी स्पीशीज आई, लेकिन ये स्ट्रॉन्गली जो है ये समय के साथ आगे आती रही। लेकिन अब ह्यूमंस के साथ जब कंपटीशन आया तो ये हार गई, और ऑब्वियसली यहाँ पे ह्यूमन मिस्टेक्स हैं जिस वजह से ये प्रजाति आज एक्सटिंक्ट हो चुकी है। तो यही था हमारा आज का लेक्चर पैडल फिश के बारे में। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हुआ आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे। PDF जो है इस लेक्चर का आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा t.me/veronica_om, यहाँ पे सारे PDFs मिल जाएंगे। थैंक यू। और देखिए ये है हमारा चैनल StudyIQ। अगर आप UPSC या किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पेन ड्राइव एंड टैबलेट कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। UPSC CSE 2020 की तैयारी कर रहे हैं तो पेन ड्राइव कोर्स अवेलेबल है जहाँ पे 100% कवरेज आपको UPSC वा सिलेबस का मिलेगा। डेली करंट अफेयर्स अपडेट्स मिलेंगे, सेल्फ पेस्ड लर्निंग है। ये जो कोर्स है ये टॉप फैकल्टीज़ द्वारा प्रिपेयर किया गया है, और अब ये कोर्स आप प्रति महीना 625 रुपये लेके भी खरीद सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी साइट विजिट कर सकते हैं, साइट पे नंबर्स दिए गए हुए हैं उन पे कॉल कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे वीडियो अपडेट्स के लिए, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। थैंक यू। कोई क्वेरी हो तो मेल भी कर सकते हैं। थैंक यू।